सरकारी स्कूल से पढ़ा ना तो इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होता है। अपना इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो इसीलिए इंग्लिश ज्यादा लिखते हैं। एक नेक्स्ट कमेंट किया है, यू आर एक्सपोज्ड, बोले तुम अपने बहन को क्यों स्कूल नहीं भेजते हो, सिर्फ घर में काम करवाने के लिए रखे हो। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप सब लोग बढ़िया होगा। बेसिकली बता दूं, आज का ब्लॉग शूट किया हूं, बट उतना कोई खास ब्लॉग नहीं है, तो मैं सोचा चलो आज मैं रेंडम कोई कमेंट रीडिंग ब्लॉग रखता हूं, क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज है और कमेंट आ रहा है कि भाई अब कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हो। तो एक्चुअली सीन ये होता है ना कि कमेंट करते हैं सभी को, मैं हट देता हूँ, पढ़ता हूँ भी, बट रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रखे होते हैं ना, इसलिए सभी को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने सोचा चलो इस पे एक डेडिकेशन वीडियो ही बनाते हैं। तो आज आप लोगों को मैं रेंडम कमेंट पढ़कर बताने वाला हूँ लोग हमारे वीडियो देखकर क्या ओपिनियन देते हैं और किस तरह का कमेंट करते हैं, उनमें से आपका भी कमेंट हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वैसे मैं पिछली बार किया था क्यू एंड ए वीडियो, तो उसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन नहीं उठा पाया था, बट आज ना आज रेंडम कमेंट रीडिंग करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। वैसे अभी संतोष नहीं है, बट संतोष को ढूंढ रहा हूँ, संतोष आएगा तो मजा आएगा उसके साथ कमेंट पढ़ने में। सो फिलहाल उसको बुला कर लाते हैं। सो फाइनली अभी संतोष आ चुका है, तो अब चलिए रेंडम कमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड संतोष के रिलेटेड भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो चलिए उसको भी रिप्लाई देते हैं। तो ये भी एक मान सकते हैं क्यू एंड ए की तरह से, लेकिन इसमें मैं क्वेश्चन पूछने के लिए आप लोगों को नहीं बोला, आप लोगों ने जो रेंडम कमेंट करते हैं उन्हीं को मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। तो फटाक से स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ ना, ये रिसेंटली वीडियो वाला है, मतलब जो मोमो चैलेंज किया था ना उस वाले वीडियो का कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। तो पहला कमेंट है देव राजपूत की तरफ से, संतोष कौन सी क्लास में है? कौन सी क्लास में संतोष? टेंथ में भाई, टेंथ में है। दूसरा है शॉर्ट सुमित, मोमो नहीं बोलते हैं, मोमोस बोलते हैं। अच्छा वो गलती हो जाता है। और पता है यहाँ पर मैं ये देखता हूँ ना, इतना ज्यादा स्पैम कमेंट रहता है ना, मतलब क्या मिलता है भाई आप लोग स्पैम कमेंट करके। पता है इस वीडियो पर 400 कमेंट है, उसमें से लगता है आधा तो स्पैम कमेंट ही होगा। इस वजह से जो लोग जेन्युइन कमेंट करते हैं ना, उन लोगों का कमेंट का रिप्लाई नहीं मिल पाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बोले वीवो ऑफिशियल इंडिया से, कौन सा कैमरा से शूट करते हो, क्वालिटी काफी तगड़ी है वीडियो की। आपके भाई के पास एक छोटा मोटा आईफोन XR है, तो मैं उसी से शूट करता हूँ, है ना सब? भाई मेरा ब्लॉग कोई देख नहीं रहा है, क्या करूँ, प्लीज बता दो भैया। भाई हमारा भी ब्लॉग कोई नहीं देख रहा यार, कल का वीडियो पता है पूरा गंदा गया, पता नहीं क्या हो रहा, मतलब कोई ब्लॉग नहीं देखते, मतलब आई थिंक मुझे लगता है मेरे हिसाब से मेरा जो कंटेंट कल का था वो सही नहीं था, इस वजह से लोग नहीं देखे। मेन फोकस अपने कंटेंट पर दीजिए, कंटेंट अच्छा देंगे ना तो लोग जरूर देखेंगे, बस यही है भाई। इतना बड़ा बड़ा कमेंट है ना, एक मिनट, बड़ा कमेंट पढ़ लीजिए। व्हील कार व्लॉग्स की तरफ से, भाई मेरा क्या लिखा है, ज्यादा नहीं, मैं मोटा मोटी कमेंट पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। कुमार जी बोले गजब है भाई आपकी मेहनत, गुड जॉब, थैंक यू ब्रदर। एक गोविंद करके बोले नाइस फैमिली, बट भाई कभी कभी गुड़गांव घूमने आओ, हम आपके सब्सक्राइबर बढ़वाएंगे। कभी कभी गुड़गांव घूमने आओ, हम आपके सब्सक्राइबर बढ़वाएंगे। तो भाई आपके घर पे ही हम डेढ़ डंडा डाल लेते हैं, और क्या, बढ़वा दीजिएगा हमारे सब्सक्राइबर। गोविंद कुमार करके कोई कमेंट किए हैं, चलिए अच्छा लगा। लिखे हैं देवल के ब्लॉग, भाई आपका वीडियो बहुत अच्छा है, भाई मेरा भी ब्लॉग का चैनल, लेकिन मेरा फर्स्ट ब्लॉग वायरल नहीं हो रहा, भाई आप मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखना प्लीज। जरूर देखूंगा भाई, ऐसा नहीं है सबका फर्स्ट ब्लॉग वायरल नहीं होता, मतलब फर्स्ट ब्लॉग में कुछ यूनिक रहता है ना, तब जाके फर्स्ट ब्लॉग वायरल होता है, ऐसे पता नहीं है। हम भी एक दो को वीडियो बनाया फर्स्ट ब्लॉग करके, वो तो वायरल हुआ ही नहीं, तो सबका वायरल नहीं होता फर्स्ट ब्लॉग। मेरा वीडियो कोई नहीं देखता, सबका एक ही कमेंट रहता है, पता इसमें से ना मतलब 50% कमेंट रहता था भाई मेरे को सपोर्ट कर दो, ये कर दो, वो दो कर दो। तो मतलब जो लोग ऐसा कमेंट करते ना, मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ कि आप लोग ना मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करो और मेहनत करो यार, जिस दिन आप मेहनत करोगे अच्छा कंटेंट दोगे ना, लोग खुद ब खुद सपोर्ट करेंगे, कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं कि सपोर्ट करो, वो खुद करेंगे यार कमेंट सपोर्ट। हमको पढ़ने ना याद आएंगे, आपको भी नहीं याद भाई कभी कभी पढ़ने नहीं आ रहा। वैसे भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ ना, तो इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होता है, अपना इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो इसीलिए इंग्लिश ज्यादा लिखते हैं। एक नेक्स्ट कमेंट किया है, यू आर एक्सपोज्ड, बोले तुम अपने बहन को क्यों स्कूल नहीं भेजते हो, सिर्फ घर में काम करवाने के लिए रखे हो। बिहार में सिर्फ यही होता है, कभी डेवलप नहीं होगा बिहार।
भाई ऐसा नहीं है, पूनम एक्चुअली 11th में है तो वो घर पे ही स्टडी करती है, कोचिंग वगैरह पास ही में जाती है और कॉलेज वगैरह तो इधर जाता नहीं है। वो चीज को मैं ब्लॉग में नहीं दिखाता हूँ, कहीं कहीं ऐसा चीज होता है ना जो मैं जो डेली ब्लॉग होता है उसमें मैं दिखा नहीं पाता हूँ। सो इससे आप लोग जज मत कीजिए कि दिन में पूनम पढ़ती नहीं है, पूनम क्लास नहीं जाती, पूनम सिर्फ काम करती है, ऐसा बात नहीं है। पूनम पढ़ती भी है, काम भी करती है, ठीक है, सब चीज करती है। आप लोग का गाँव का जो लड़की होती है ना वो उनको काम भी करना होता है, पढ़ाई भी करना होता है, घर को भी मैनेज करना होता है। सो बस यही है। अब लिखिए संतोष कौन सा क्लास में पढ़ता है ये तो बताए दिया, 10th में संतोष है ना, लेकिन पढ़ता नहीं है। 10th में जाने वाला हूँ। 10th में चला गया ना? नहीं गया अभी। अभी नहीं गया भाई, प्लीज मेरा चैनल प्रमोट कर दो भाई, सबका प्रमोट कर दूंगा। क्या नाम है? हिमांशु मिश्रा। भाई प्लीज मेरा चैनल प्रमोट कर दो। चलो प्रमोट हो गया भाई हिमांशु मिश्रा। हो गए। सुबोध ब्लॉग है वो पर है, मिर्ची चैलेंज करो भाई एक बार, पब्लिक का डिमांड है। अरे बाप रे, इतना बार करे क्या मिर्ची चैलेंज? नहीं करेंगे मिर्ची। चलो करते एक बार मिर्ची चैलेंज संतोष से, संतोष से करेंगे मिर्ची चैलेंज। कौन ज्यादा मिर्ची खाते प्रेशर बंद हो जाएगा। ओ भाई छोड़ो, खैर बाकी जो लोग नाइस व्लॉग वेरी नाइस व्लॉग किया ना उनके लिए थैंक यू, ठीक है, उनको मैं हार्ट भी दे देता हूँ यहाँ पर। TDOP करके कोई चैनल है वो पूछे है, दीपक भाई संतोष का नाम चेंज कर दो प्लीज। आप ही बता दो संतोष का क्या नाम रखे, क्या नाम चेंज करें? हमको दो नाम ना है। दो नाम नहीं है, एक ही नाम है, चेंज करना है नाम। हाँ चेंज करना, बहुत बढ़िया नाम बताइएगा तब चेंज करेगा, नहीं नहीं चेंज करेगा। चलिए आप लोग बताइए बढ़िया नाम तो चेंज करेगा संतोष। नेक्स्ट कमेंट है द बिग रॉक, मैं आपके ब्लॉग्स में संतोष को देखने के लिए आता हूँ और संतोष सो फनी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप संतोष को हर वीडियो में ले। संतोष वैसे भी संतोष हर वीडियो में रहते हैं, हम अकेले कहाँ रहते हैं, हम और संतोष ही तो हर वीडियो में रहते हैं, लेकिन आप चल रहे हैं। रितिका चौधरी करके है घास मंडी, ये क्या कमेंट है? नेक्स्ट कमेंट है मकरंद प्रसाद। क्या नाम है, मतलब तो नाम जो भी अच्छा है। लिखे लिखे है संतोष की मुस्कान कितनी औसम है यार, वाह सच में क्या। और हंस के भी दिखा रहा है। RK व्लॉग्स बोले भाई बाइक के लिए एक कवर ले लो, जी जरूर। अभी सोच रहे हैं लेकिन लिए नहीं, अभी लिए नहीं है, सोच रहे। सो बस गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी ना स्पैम कमेंट बहुत ज्यादा बार रखा तो मैंने इतना सारा कमेंट का रिप्लाई दिया, और बाकी आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और भी वीडियो पर, तो आए और भी दिन मैं ऐसा मतलब रेंडम कमेंट रीडिंग करता रहूंगा। सो अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ सबसे कीमती वक्त निकालकर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है आपको भाई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।